हेलो गाइस, दिस इज चेतन वर्मा एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल सीएसपी इंस्टीट्यूट। सो आज की वीडियो है रिगार्डिंग फजी क्लस्टरिंग। दिस इज अबाउट फजी क्लस्टरिंग। सो क्लस्टरिंग इज अ अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग टेक्निक दैट डिवाइड्स द डेटा गिवन डेटा इनटू डिफरेंट क्लस्टर्स based on their distances similarity from each others. The unsupervised k-means clustering algorithms gives the value of any point laying in some particular cluster to be either as 0 or 1, either true or false. But the fuzzy logic gives the fuzzy value of any particular data point to be laying in either of the clusters. Here इन फजी सी मीन्स, फजी का जो कई लोग होते हैं ना, सी सी मतलब होता है क्लस्टरिंग ओनली। ठीक है, इसका मतलब क्लस्टरिंग ओनली। यू फाइंड आउट द सेंट्रोइड ऑफ द डेटा पॉइंट एंड देन कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ ईच डेटा प्रिंट पॉइंट फ्रॉम द गिवन सेंट्रोइड्स अंटिल द क्लस्टर्स फॉर्म्ड बिकम कॉन्स्टेंट। अच्छा ठीक है, मैं इसके बारे में आपको थोड़ा सा और डिटेल में बताने की कोशिश करता हूँ कि ये असल में क्या है। तो ये आपका फजी क्लस्टरिंग है, इसे हम फजी सी मीन्स भी बोलते हैं, इसीलिए इसको FCM भी बोलते हैं, और या फिर हमें इसको सॉफ्ट क्लस्टरिंग भी बोलते हैं, सॉफ्ट क्लस्टरिंग भी बोलते हैं। ठीक है, सो यही एक क्लस्टरिंग टेक्निक है दैट अलाउज फॉर सॉफ्ट असाइनमेंट्स ऑफ डेटा पॉइंट्स टू क्लस्टर। अनलाइक ट्रेडिशनल क्लस्टर एल्गोरिदम्स लाइक के मीन विच असाइंस ईच डेटा पॉइंट्स टू बी अ सिंगल क्लस्टर, फजी क्लस्टरिंग असाइंस ईच डेटा पॉइंट अ मेंबरशिप डिग्री। हर एक पॉइंट के साथ में, हर एक डेटा के साथ में एक मेंबरशिप मेंबरशिप डिग्री भी उसके साथ में एसोसिएटेड है, जो कि किसे इंडिकेट कर रही है, डिग्री को इंडिकेट कर रही है टू टू विच इट बिलोंग्स टू ईच क्लस्टर, कि ये क्लस्टर वन, क्लस्टर टू, क्लस्टर थ्री, इसके साथ में एसोसिएट होने कितनी डिग्री है। ठीक है, मेंबरशिप डिग्री कितनी है, मान लीजिए इसकी मेंबरशिप डिग्री है 90%, इसके साथ में होने की 80%, इसके साथ में होने की 70%, इस तरीके से तीनों के साथ में। परसेंट का मतलब यहाँ पर 0.9, 0.8, 0.7, ठीक है, ये डिग्री आती है यहाँ पर। ठीक है, जो बेसिक है तुम्हारा के मीन है उसमें 0 और 1 ही होता है, लेकिन यहाँ पर हर एक क्लस्टर्स के साथ में मेंबरशिप डिग्री भी एसोसिएटेड होती है, तो उससे हम ये डिटरमाइन कर पाते हैं कि ये कौन से में ज़्यादा फिट है ये डेटा। इन फजी क्लस्टरिंग द एल्गोरिदम कैलकुलेट्स द डिग्री ऑफ मेंबरशिप फॉर ईच डेटा पॉइंट विद रेस्पेक्ट टू इच क्लस्टर, हर एक के क्लस्टर के मतलब रेस्पेक्ट में वो उसकी मेंबरशिप डिग्री को डिटरमाइन करता है। द मेंबरशिप डिग्री रिप्रेजेंट्स द डिग्री ऑफ सिमिलरिटी और अफिनिटी बिटवीन द डेटा पॉइंट एंड द क्लस्टर। द हायर द मेंबरशिप डिग्री द स्ट्रोंगर द एसोसिएशन बिटवीन द डेटा पॉइंट एंड द क्लस्टर। जितनी ज़्यादा डिग्री उतना ही ज़्यादा उन दोनों के बीच में एसोसिएशन, डेटा और क्लस्टर के बीच में एसोसिएशन। सो इसके अंदर जो ये एल्गोरिदम है वो कैसे काम करती है, सबसे पहले तो हो गया इसका इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन तो यहाँ क्या करते हैं, हम रेंडमली इनिशियलाइज क्लस्टर सेंटर एंड असाइन इनिशियल मेंबरशिप डिग्री फॉर ईच डेटा पॉइंट। रेंडमली हम क्लस्टर के जो सेंटर को इनिशियलाइज कर देंगे, क्लस्टर के सेंटर को इनिशियलाइज कर देंगे रैंडमली। ठीक है, और असाइन करेंगे इनिशियल मेंबरशिप, जो इनिशियल मेंबरशिप है मेंबरशिप जो डिग्री है वो हर एक डेटा के साथ में, ईच डेटा के साथ में, डेटा पॉइंट के साथ में एसोसिएट कर देंगे उसकी इनिशियल वैल्यू। मतलब मान लीजिए कि 0 0 कर दिया आपने सबको, तो इस तरीके से फिर दूसरे में हम अपडेट करेंगे क्लस्टर से, जो क्लस्टर के सेंटर को अपडेट करेंगे। सो अपडेट करेंगे हम,
वो तो देखो यार, जैसे जैसे पॉइंट आएगा उसका मीन निकाल कर हम अपडेट कर देंगे, अपडेट करेंगे क्लस्टर के सेंटर को, वो तो के मीन जैसा ही है। सो कैलकुलेट द क्लस्टर सेंटर्स बेस्ड ऑन द करंट मेंबरशिप डिग्री। सो मतलब हम जितने भी यहाँ पर अपने पास है पॉइंट, उनका मीन निकाल लेंगे और उस हिसाब से हमारा पास सेंटर आ जाएगा। ठीक है, सो इस तरीके से हमने अपडेट कर लिया क्लस्टर के सेंटर को, फिर अपडेट करेंगे हम मेंबरशिप डिग्री को। मेंबरशिप डिग्री को अपडेट करूंगा मैं। ठीक है, तो रिकैलकुलेट करूंगा मेंबरशिप डिग्री को हर एक डेटा पॉइंट के लिए बेस्ड ऑन इट्स प्रॉक्सिमिटी ऑफ द टू द क्लस्टर सेंटर्स, कि उस पर्टिकुलर सेंटर से वो कितनी प्रॉक्सिमिटी है, उसकी कितनी दूरी पे है वो, तो उस हिसाब से उसकी मेंबरशिप डिग्री को मैं सेट करूंगा और इटिरेट करूंगा मैं। ठीक है, ये तीनों स्टेप्स को इटिरेशन के अंदर डाल दूं। कब तक? रिपीट द अपडेट ऑफ द क्लस्टर सेंटर एंड मेंबरशिप डिग्री अंटिल द कन्वर्जेंस और मैक्सिमम नंबर ऑफ द इटिरेशन व्हाट वी विल डिफाइन ड्यूरिंग द प्रोसेस। ड्यूरिंग द इटिरेशन प्रोसेस द मेंबरशिप डिग्री आर अपडेटेड बेस्ड ऑन द डिस्टेंस बिटवीन द डेटा पॉइंट एंड द क्लस्टर सेंटर्स। द अपडेट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द ऑल क्लस्टर्स विद क्लोजर क्लस्टर हैविंग द हायर मेंबरशिप डिग्री। वही है, के मीन वाला ही है, कुछ नया नहीं है। यहाँ पर ये सी मीन हो जाएगा, सेंटर मीन। द फाइनल रिजल्ट ऑफ फूजी क्लस्टरिंग, फूजी बोल रहा हूँ, फजी क्लस्टरिंग इज अ सेट ऑफ क्लस्टर सेंटर्स एंड मेंबरशिप डिग्रीज फॉर ईच डेटा पॉइंट। द मेंबरशिप डिग्री इंडिकेट द डिग्री ऑफ एसोसिएशन और सिमिलरिटी ऑफ ईच डेटा पॉइंट विद ईच क्लस्टर। फजी क्लस्टरिंग इज अ पर्टिकुलरली यूजफुल इन सिचुएशन वेयर द डेटा पॉइंट्स मे हैव एम्बिगुअस और ओवरलैपिंग कैरेक्टरिस्टिक्स। जहां पर एम्बिगुअस या ओवरलैपिंग कैरेक्टरिस्टिक्स है ना डेटा पॉइंट्स के पास में, वहां पर हम फजी क्लस्टरिंग यूज करते हैं। इट अलाउज फॉर मोर न्यूसेंस्ड एंड फ्लेक्सिबल क्लस्टरिंग रिजल्ट्स बाय प्रोवाइडिंग प्रोबेबिलिस्टिक मेंबरशिप डिग्री रादर देन स्ट्रिक्टली बाइनरी असाइनमेंट्स। फजी क्लस्टरिंग हैज एप्लीकेशन इन वेरियस फील्ड्स इंक्लूडिंग पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन, इमेज सेगमेंटेशन, डेटा माइनिंग एंड फजी कंट्रोल सिस्टम्स। सो हेयर देयर आर लॉट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ दिस। सो लेट्स अंडरस्टैंड अवर प्रोग्राम। दिस इज अवर प्रोग्राम फॉर फजी लॉजिक। सो हेयर वी आर इम्पोर्टिंग नंपाई स्काई फजी। एस के फजी से ही अपने कंट्रोल को भी इम्पोर्ट कर लिया। हमने सीड वैल्यू फिक्स कर दी 0 और डेटा हमने रेंडमाइज कर लिया। दो हमें पैरामीटर चाहिए, सो साइज है। ठीक है, क्लस्टर हमने नंबर ऑफ क्लस्टर 3 कर दिए। ठीक है, अब हमने अप्लाई किया जो फ्यूजी सीमेन क्लस्टरिंग है। सो फ्यूजी के अंदर जो हमने इम्पोर्ट किया फर्स्ट डॉट क्लस्टर डॉट सी मीन, इस फंक्शन को मैंने इन्वॉक किया और इसके अंदर मैंने इनपुट दिए, ये इनपुट दिए और इनपुट देने के बाद में ये मेरा आउटपुट आया उससे। सो ये पर्टिकुलर मेरा आउटपुट आ गया, तो इनमें ये सेंटर हो गया, ये डेटा हो गया, इस तरीके से अलग अलग आउटपुट आ गए। अब यहाँ पर मेरे को प्रेडिक्ट करने की ज़रूरत है कि जो आर्ग्यूमेंट में मैक्सिमम है ये यहाँ पर आएंगे नंबर ऑफ डिफरेंट डिफरेंट डेटा जो उस पर्टिकुलर पॉइंट के इर्द गिर्द। ठीक है, जो यू है अपना वो डेटा को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, सो हमने यहाँ पर इसके अंदर यू भेज दिया और एक्सिस दे दिया 0, तो उससे हमें क्लस्टर की मेंबरशिप पता चल गई। तो ये तो हमने कि किस क्लस्टर से वो बिलोंग कर रहा है, 0 क्लस्टर से, 1 क्लस्टर से, 2 से, उसकी बिलोंगिंग पता चल गई, उसके डेटा यूज है। इसको देखो आगे दिखाता हूँ। तो ये जो है इससे मैंने डिटरमाइन कर लिया कि वो किसके ज़्यादा पास है। ठीक है, तो 0.31 मतलब इस तरीके से हम डिटरमाइन कर सकते हैं कि वो किसके पास है, कितना है। ठीक है, हर एक के पास में, तो मेरे पास में क्लस्टर मेंबरशिप आ गई, क्लस्टर का सेंटर, हर एक क्लस्टर के सेंटर्स इस डेटा पॉइंट के ऊपर हैं। ठीक है, अगर मुझे इसको प्रिंट करवाना है
तो इस तरीके से मैंने इसको प्रिंट भी करवा लिया। ठीक है, सो आई होप आपको इस जब मैंने इसका ग्राफ प्रिंट करवाया यहाँ पर, तो देखिए इस क्लास में डिवाइड हो गया कि एक क्लास तो यहाँ आ गई, दूसरी यहाँ, तीसरी यहाँ। तो इस तरीके से डेटा आपका डिवाइड हो गया डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस के अंदर। ठीक है, सो आई होप आपको ये समझ आया होगा। थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग।